राजस्थान की राजधानी जयपुर वास्तुकला के चमत्कारों से युक्त है और यही कारण है कि यह शहर साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसा ही एक वास्तुशिल्प लैंडमार्क जयपुर के केंद्र में स्थित सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था, जो जयपुर के फाउंडर भी थे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। सिटी पैलेस राजपूत, मुगल और यूरोपियन स्थापत्य शैली के मिश्रण को प्रदर्शित करता है। यहाँ की सबसे लोकप्रिय संरचनाओं में से एक सर्वतो भाद्रा या दीवाने आम है। लाल और गुलाबी बालुआ पत्थर से बने इस महल में विशाल आंगन है और इसके चारों ओर कई छोटे महल हैं। इसका उपयोग जयपुर के महाराजाओं द्वारा आम जनता से मिलने के लिए किया जाता था। हॉल की छत को शानदार क्रिस्टल झूमरों से सजाया गया है। इस हॉल में दो विशाल चांदी के कलश भी हैं, जिन्हें गंगा जली के नाम से जाना जाता है। इन कलशों की क्षमता 4000 लीटर है। इन कलशों का इस्तेमाल महाराजा सवाई माधव सिंह दो अपनी इंग्लैंड यात्राओं पर गंगा के पवित्र जल को ले जाने के लिए करते थे। यहाँ की एक और प्रभावशाली संरचना मुबारक महल है। मुबारक महल को 19वीं शताब्दी में महाराजा माधव सिंह दो ने अपने मेहमानों के स्वागत के लिए बनवाया था। महल को अब महाराजा सवाई मानसिंह संग्रहालय में बदल दिया गया है। अगला दीवाने खास है। यहाँ पर महाराजा निजी सभाएं किया करते थे। दीवाने खास में फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। मुख्य महल के प्रीतम निवास चौक में चार छोटे द्वार हैं। ये द्वार चार ऋतुओं और चार हिंदू देवताओं को प्रतिनिधित्व करता है। मयूर द्वार शरद ऋतु को प्रतिनिधित्व करता है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस द्वार को मोर के रूपांकनों से सजाया गया है। कमल द्वार फूलों और पंखियों से सजाया गया गर्मी के मौसम को प्रतिनिधित्व करता है और भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। लहरिया द्वार हरे रंग का है और वसंत ऋतु को प्रतिनिधित्व करता है और भगवान गणेश को समर्पित है। अंतिम द्वार को गुलाब द्वार कहा जाता है। यह द्वार सर्दियों के मौसम को प्रतिनिधित्व करता है और देवी को समर्पित है। इस द्वार को गुलाब की नक्काशी से सजाया गया है। चंद्र महल सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। यह महल आज भी जयपुर के शाही परिवार का निवास स्थान है। चंद्र महल घूमने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।